जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे. कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशनशिप माइट चेंज. डेटिंग, नॉट डेटिंग, अभी हुकिंग अप, पहले भी यही सब चीजें होती थी बट इनके नाम नहीं होते थे. एक कमिटमेंट फोबिया हो गया ना आजकल सोसाइटी में कि कोई अगर आपके बारे में सीरियस होने लगता है तो आप थोड़ा सा डर जाते हो. आने वाले समय में क्या हम कोई सीक्वल देखने वाले हैं फ्रॉम द क्लासिक्स एंड द कल्ट्स दैट यू हैव मेड? हेलो एंड वेलकम टू अनकट. मैं हूं निहारिका एंड दिस मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन. आपने इनकी बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं, बहुत सारी रील्स देखी हैं. Here we have with us Imtiaz sir. Welcome to Uncut. Thank you so much. Great being here. It is a pleasure, honestly. It's a dream come true for me to stand here and talk to you. First of all, जो चीज़ मैं बहुत सालों से figure out करना चाह रही थी was your concept of love. मैं आपके actors से मिली हूँ जिन लोगों ने आपके साथ काम किया, आपकी film में काम किया, और मैंने सबसे यही पूछा है what is Imtiaz Ali's definition of love. जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे. As the song was saying behind, yeah. I feel that I don't know myself what is love. I have no definition to offer for love. I feel it's very confusing. I feel different people use love as a word to imply different things. I feel that उसको ज़्यादा seriously लेना नहीं चाहिए मगर you should do what you feel like. यार में कोई सही गलत नहीं होता. सही गलत तो होता ही नहीं है. सही गलत तो नहीं होता है प्यार में, नहीं होता है बहुत सारी. बट आई फील दैट, या आई फील दैट अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ, यू नो, अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज द क्लोजेस्ट दैट यू फील टू द वर्ड लव. ओके, सो हमने इब्तिदा के बारे में सुना. इब्तिदा इज द सोसाइटी दैट यू स्टार्टेड हिंदू कॉलेज में, एंड आपने बताया द आइडिया वाज कि उसका नाम उस अल्फाबेट से होना चाहिए जैसे आपका नाम है. व्हाट एल्स डू यू हैव टू टेल अबाउट इब्तिदा? वेल, इब्तिदा में हमने जो पहला प्ले किया था उसका नाम था जाति ही पूछो साधु की. फिर हमने होली नाम का प्ले किया था. फिर बहुत सारे प्लेस किए थे. और उस वक्त प्रोसिनियम थिएटर और नुक्कड़ नाटक के लिए यही एक ड्रामेटिक सोसाइटी थी. हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हमें बहुत एनकरेज भी करते थे और डिस्करेज भी करते थे, जो हमारे लिए चैलेंजिंग भी था और सपोर्टिव भी था. मुझे एक चीज़ पूछनी है कि तमाशा को लोगों ने बहुत सालों बाद अप्रिशिएट किया, एंड तमाशा को लोगों ने कहा समझ में नहीं आई, बहुत सारे लेयर्स थे मूवी में. डू यू थिंक अब इतने साल बाद तमाशा को अपना ड्यू मिल चुका है? मुझे लगता है कि तमाशा के बारे में बहुत चर्चा होती है. बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, जो सुनते ही मैं डर जाता हूँ. फिल्म देखने के बाद अगर उन्होंने नौकरी छोड़ी है, इसका मतलब है कि अगर उन्होंने फिल्म नौकरी छोड़ने के बाद अच्छा नहीं किया तो वो मुझे दोषी ठहराएंगे. सो मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई फील दैट मेकिंग अ मूवी इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल इन अ वेरी सिवियर मैनर. एंड हाँ, आई थिंक तमाशा को बहुत लव अफेक्शन मिला है और बहुत ज़्यादा मैटर किया है तमाशा ने बहुत सारे लोगों की लाइफ में. मैं इसका क्रेडिट तो नहीं ले सकता बट मुझे लगता है कि इस जर्नी में मैं था. तमाशा ने मेरी भी ज़िंदगी बदली है. So I can understand what other people are going through. क्या आपको contentment मिला था जब आपको ऐसी चीजें पता चली कि लोगों ने नौकरी छोड़ी और जो उनकी dreams थी या true self था वो उन्होंने explore करने का at least try किया? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनके कि ऐसा हुआ था. हालांकि ये collateral damage या benefit है, ये सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा कुछ होगा. मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ मेरी जिंदगी बदलेगी मगर लोगों की जिंदगी बदली और लोगों ने positively अपनी life को change किया, अपनी story की एंडिंग को चेंज किया. आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट. देयर्स अनदर थिंग अबाउट तमाशा कि अभी मैं कुछ दिन पहले देख रही थी, एंड देयर वर पीपल जो आपके सीन्स को डाइसेक्ट करते हैं, एंड उन्होंने कहा था कि जब मूवी स्टार्ट होती है तो यू सी रणबीर कपूर्स कैरेक्टर इन टू मेनी लेयर्स कपड़ों के लिहाज से, एंड जो वो लास्ट सीन है जिसमें वो अपनी बाहें फैला के घूमते हैं, इट्स अ फ्री फ्लोइंग फैब्रिक ऑन हिम. Yeah, yeah, we keep all those things in mind, especially when you're working with Aki Narula. Yeah. Then there are a lot of inputs that come from costume, yeah, into the film. And then we talk about films like Highway. I remember Highway, मैंने देखा था, मेरी शाम की shift थी, shift पे जाने से पहले. I cried a river, क्योंकि मैंने उस last scene में थी मैं. And then I went to watch the film. It somehow shows कि आपका negative character can also be a hero. Yeah, I feel it was a part of the film was very, very personal. And I feel that people also connected with Highway in a very personal manner.
या इट वाज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो मुझे खुशी है इस बात की कि वो चीज पहुंच गई जो पहुंचानी थी. इट वाज रियली मतलब आई वुड रेकमेंड कि आप सारी फिल्म्स देखो, बट हाईवे इज वन फिल्म आफ्टर तमाशा आई वुड से दैट यू मस्ट वॉच. उसके अलावा देर आर फिल्म्स लाइक हैरी मेट सेजल, जिनको लोगों ने कहा कमर्शियल फिल्म्स हैं, इम्तियाज़ अली ऐसी फिल्म्स नहीं बनाते हैं, इम्तियाज़ अली मेक्स वेरी रेवोल्यूशनरी फिल्म्स, या जो फिल्म्स आप जिनके बारे में सोच नहीं सकते. एंड देन देर इज़ अ फिल्म लाइक हैरी मेट सेजल जिसमें आप कमर्शियल भी कह सकते हो. देन देर आर एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से हैं. सो हाउ डिड दैट हैपन? या आई फेल्ट दैट आफ्टर तमाशा आई शुड मेक अ फिल्म विच इज़ एज फार अवे और एज डिफरेंट फ्रॉम तमाशा एज पॉसिबल, एंड दैट वॉज द एंडेवर इन मेकिंग जब हैरी मेट सेजल. And that's it, you know, I think as a director, I feel interested in doing different kinds of things. Us tarah ki film bhi banani thi, wo bana li, ab kuch aur karenge. Okay, I have so many films to talk about. Love Aajkal, Love Aajkal and Love Aajkal 2. I still remember that one particular scene ki jisme Saif Ali Khan kinare baithe hue hain, kehte hain, Meera, ye tum kara rahi ho. Yeah, yeah, that we had shot in San Francisco, aur wo mujhe bhi achha lagta tha. वो वाला सीन जब वो कहता है मीरा ये तुम हो क्या, ये तुम कर रही हो. Yes. उसको रियलाइज होता है उस वक्त. उसको रियलाइज होता है उस वक्त. एंड द अदर थिंग कि वो मेरे बारे में सीरियस हो रहा है, लव आजकल 2 व्हेन शी टेल्स दैट वो मेरे बारे में सीरियस हो रहा है. हां, दैट इज अ वेरी बिग थ्रेट फॉर मॉडर्न पीपल. दैट मतलब इतना ज्यादा एक कमिटमेंट फोबिया हो गया ना आजकल सोसाइटी में कि कोई अगर आपके बारे में सीरियस होने लगता है तो आप थोड़ा सा डर जाते हो. हैज लव चेंज्ड पिछले समय में और आज के समय में? आई डोंट थिंक लव हैज चेंज्ड और विल एवर डू. आई फील दैट कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशनशिप माइट चेंज, यू नो. अब क्या हो गया, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिफाइंड हो गई हैं. Dating, not dating, are we hooking up as different from dating? There are so many different things. पहले भी यही सब चीजें होती थी, but इनके नाम नहीं होते थे. So I think classifications have changed, but basically what a man and a woman have been doing for 5,000 years has been the same. Okay. And at last I want to talk about Laila Majnu. आप उसमें director नहीं थे, but I met Avinash and I was talking about that scene. जिसमें वो बेहोश हो जाते हैं लैला को देख के. एंड ही सेड कि दिस पर्टिकुलर सीन इम्तियाज सर सेड कि ये ऐसे ही होगा. मुझे लगा था कि बहुत एग्जैजरेट हो रहा है कि कोई ऐसे कैसे गिर सकता है किसी को देख के. हाउ डिड इट जस्ट कम इन योर हेड? नहीं, वो मुझे लगता था कि ये तो ऐसे ही होगा. अगर ये इसमें इसका कोई कारण नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, बट मुझे लगता था कि जब ये पहली बार लैला को देखेगा जिस तरह से ये है, ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा. एंड आई फील दैट there's a little bit of the film that has got cut over there. Actually Laila was given the impression that Majnu has become a very bad person. Yeah. And he's become matlab bahut sari ladkiyon ke sath usne affair kiye hain aur bahut sharab peeta hai and bigad chuka hai. But wo jab usko dekhti hai aur wo jis tarah se behosh ho jata hai to uske baad kehti hai ki sab saaf ho gaya. No, so I feel, I don't know why, but I just felt that that's how it should happen. And he's done it so well, and I'm so happy that that scene is recognized a lot also. Okay, आने वाले समय में क्या हम कोई sequel देखने वाले हैं from the classics and the cults that you've made? This question gets asked to me so much that I'm now thinking that शायद मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए. मगर लोग कहते हैं कि rockstar या जब भी मैं का कोई sequel होना चाहिए, but मुझे लगता है कोई ऐसी कहानी होगी जो एज अ सीक्वल आएगी दिमाग में तो मैं बनाऊंगा. फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है. एंड वन मोर थिंग क्योंकि व्हेन आई थिंक ऑफ योर मूवीज वो छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो मेरे दिमाग में रह जाते हैं. यू टॉक अबाउट द मैजिकल टच रॉकस्टार में, देयर इज दिस मैजिकल टच. एंड उसके अलावा तमाशा में वो जो एक फिंगर वाला टच है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि वॉट मतलब वो क्या थॉट होता है जो आपके दिमाग में आता है और जो दूसरों के आपके ऑडियंस के दिमाग में रह जाता है. आई थिंक दैट हम जो फिल्म बनाते हैं ना, हम अपनी सारी एस्पिरेशंस को फिल्म मेकिंग के थ्रू पूरी करने की कोशिश करते हैं. जो ज़िंदगी में आप नहीं कर पाते हैं वो फिल्मों में करते हैं. तो मेरे ख्याल से सारे जो लोग देख रहे हैं और जिनको ये चीज़ पसंद आ रही है, उन्होंने भी शायद ये एस्पायर किया होगा कि मैं भी कभी किसी लड़के को या किसी लड़की को इस तरह से टच करूँ, टिंग करूँ, और वो ना कर पाए होंगे, नहीं कर पाए होंगे. बिकॉज उसके लिए एक रिलेशनशिप चाहिए, एक ईजीनेस चाहिए जो रिश्ते में होता नहीं है कभी कभी. सो आई थिंक व्हाट यू एस्पायर फॉर, इफ यू सी यू रिमेंबर इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर मेकिंग अस बिलीव कि लव हर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है.
और अलग अलग एंगल से देखने की वो जो फ्रीडम दी आपने अपनी फिल्म्स की। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द मैसेज फॉरवर्ड। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्यों बना रहा हूँ फिल्म, क्या कह रहा हूँ और उसका क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक ऑलमोस्ट लाइक अ मैड मैन, आई एम जस्ट राइटिंग एवरीथिंग दैट इज कमिंग टू माय माइंड, आई एम मेकिंग एवरीथिंग दैट इज कमिंग टू माय माइंड, बट इट इज़ ओनली व्हेन समबडी लाइक यू स्टेप्स आउट, सीरियसली आई मीन इट, यू एंड योर हस्बैंड एंड यू शो द अफेक्शन टू द वर्क, देन इट आई फील द ग्रैटिट्यूड एंड आई फील दैट ऑल माई लाइफ आई जस्ट वॉन्ट टू मेक फिल्म्स फॉर यू। Thank you very much. Thank you so much. This was Imtiaz Ali on Uncut. Please follow Uncut on all social media platforms.